दारू पीने के लिए पैसे मांगने पर एक शराबी ने व्यक्ति के साथ मारपीट की और चाकू से उस व्यक्ति को घायल भी कर दिया। घटना लकड़गंज परिसर के टेलीफोन एक्सचेंज चौक आगलावे देशी दारू भट्टी के सामने की है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना लकड़गंज परिसर टेलीफोन एक्सचेंज चौक अगलावे देशी दारू भट्टी के सामने वादी महेश संतोष नंदनवार उम्र 31 वर्ष से आरोपी शुभम अशोक मटे उम्र 27 वर्ष ने आजम शाह चौक पर वादी से दारू पीने के लिए पैसे मांगे। जब वादी ने मना किया तो आरोपी ने वादी से गाली गलौज की और वादी को कहा कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, ये कहकर जान से मारने की धमकी दी और उसे पीट पीट कर मार डालने के इरादे से पास में रखा लोहे का चाकू निकाल कर वादी की गर्दन पर फेर दिया। आरोपियों ने वहां मौजूद अमन जिल्पे और सुनील देशभर्तार को गाली दी और चाकू दिखाकर डरा धमका कर पैसे की मांग की। घायल वादी को मेयो अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। इस मामले में वादी द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार थाने लकड़गंज में आरोपी पर आईपीसी की धारा 307, 294, 504, 506, 323 के तहत धारा 4/25 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। जुनी मंगलवारी इथे फिरियादी हा आपल्या गॅरेज वर उभा असताना तिथे शुभम माटे हा आला आणि त्याला दारू पिण्यासाठी पैसे मागू लागला। त्याच्यावरून त्यांचे भांडणं झाले आणि त्यांनी आपला जवळचा चाकू काढून गळ्यावर वार केला आणि जीव मारण्याचा प्रयत्न केला। आरोपी शुभम माटे हा अटकेत आहे आणि पुढील तपास सुरू। एनबीसीएन न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।